हेलो लवली पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पार्टनर दूसरों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। ओके, अपने आसपास के लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में आपके बारे में क्या बोलते हैं, बात करते भी हैं या नहीं करते। जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी जोडियक साइन के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सभी जेंडर के लिए और सभी एज ग्रुप के लिए, राइट। ऑलराइट, ओके, कार्ड्स देख के मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को रीडिंग समझ आ गई होगी, लेकिन ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है। दोनों कार्ड सेम है, जिस तरीके से आप चाहते हैं ना ये पर्सन बढ़े आपकी तरफ। पहले भाग रहा था आपसे, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो यहाँ कुछ बातें हैं जो सिंपली यूनिवर्स ने क्लियर की है। ओके ओके, हम कुछ और मैसेजेस भी देखेंगे, लेकिन पहले हम आपके लिए रीडिंग करते हैं, फिर आपको गाइडेंस देंगे। ओके ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर आपको सबसे पहले मिस कर रहे हैं, एनर्जी इतनी अच्छी है उनकी कि सबसे पहले वो मिस कर रहे हैं तो दूसरों से आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों में हो सकता है मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने खुद पे ध्यान देना शुरू किया। खुद पे ध्यान देने के साथ साथ आपको लगता है कि चलो रिलेशनशिप अपना एक तरफ है, सेल्फ लव या खुद पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा अलग बात है। तो आप लोगों में से कुछ लोग अपने पे ध्यान भी दे रहे हैं। ओके, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके लिए मैसेज है भैया ध्यान दे लो, फिर जब आपका पार्टनर आएगा तो फिर आप परेशान होंगे। ओके, क्योंकि वो आपको खुश ही देखना चाहते हैं, जब भी देखना चाहते हैं अपने साथ अपने पास और खुश देखना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा है, लेकिन इन दिनों में मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा है ये पर्सन। हो सकता है रिलेशनशिप आपका अप एंड डाउन चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट है, कुछ भी है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और इन दिनों में और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। हुआ क्या है, उनके फैमिली में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत है, उनकी फैमिली भी जानती है कि ये पर्सन और आप दोनों के बीच में एक शादी का कमिटमेंट था या आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर ने घर में उनके साथ शादी की बात नहीं की, उनको लेकर, भाई आपके पार्टनर ने शादी की बात की है आपको लेकर, और दूसरों से अगर मैं कहूँ कि क्या बात करते हैं तो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा, पहले अगर नेगेटिव थे तो उसको भूल जाओ, अभी की एनर्जी है कि वो आपके बारे में पॉजिटिव बातें करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके भी बातचीत करते होंगे काफ़ी ज़्यादा, जिस तरीके से आप रहते हैं वो सब बातें कर रहे हैं। और सच कहूँ तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं अभी भी, और अगर शादी का कमिटमेंट देके या रिलेशनशिप को तोड़कर कुछ और नेगेटिविटी में चले गए थे तो इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत गलत किया उसके साथ रिलेशनशिप को तोड़कर। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने, हो सकता है या तो आपको थर्ड पार्टी में डाला, यहाँ पे थर्ड पार्टी वैसे तो कोई भी हो सकती है, लेकिन आजकल जब वो बातचीत कर रहे हैं दूसरों से वो यही बताने कि उन्होंने
आपको थर्ड पार्टी में डाला और आपके साथ इस कमिटमेंट को तोड़ दिया, रिलेशनशिप को तोड़ दिया, लेकिन वो आने वाले समय में ना प्लान कर रहे हैं कुछ तो कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। इसका मतलब है वो दूसरों से यही बोलते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं, अगर आप मेल भी हैं तो भी और आप फीमेल हैं तो भी, ठीक है। यहाँ पर ना बस आपको खुद पर अच्छे से वर्क करना रहेगा, खुद के थॉट्स, क्योंकि जब एनर्जीज आती हैं, फुल मून आ रहा है वापस, ठीक है, आप लोग अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल कीजिएगा, बहुत कंट्रोल करनी होती है इन एनर्जीज़ को। आप लोगों से कुछ लोग तो जानते भी होंगे, ओके। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जो हरकत इसने की है आपके साथ रिलेशनशिप में उसको लेके काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहा है। ये पर्सन आपके अपने आसपास के लोगों से ये भी बात कर रहे हैं, आसपास के लोग तो क्या, उन्होंने बचपना किया, हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में भी छोटा हो, और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बचपना किया इस रिलेशनशिप को लेकर, वो सीरियस मोड पर नहीं आए कभी भी कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन अब वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में यही बात कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ शादी करनी है, और आपकी तारीफ़ करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आप रहते हैं, बात करते हैं, सिचुएशन, हो सकता है आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालते हो। तो ये पर्सन ना कुछ प्लान कर रहा है आपको लेकर अपनी फैमिली में, और सच कहो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, ओके। यहाँ पर आपकी और इनके मिलने की पूरी स्टोरी, वो बार बार, मतलब आप दोनों कैसे मिले, कैसे स्टार्ट हुआ रिलेशन, बार बार दूसरों के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इन दिनों में ना काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब आप कहेंगे आ क्यों नहीं, आएंगे ना तब इतना मिस कर रहे हैं, फैमिली में बात कर रहे हैं तो आएंगे आपसे मिलने के लिए। यहाँ पर डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अपने आसपास के फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सर यहाँ पर ये एक भी और भी है कि आपको दिल से जानते हो आपके, हाँ ये पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिविटी है ना इस रिलेशनशिप की, ये दूर हो रही है, तो आप लोग जितना अपने आप को हायर एनर्जी में रख सको रख लेना, ओके। तो यहाँ पर क्या, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोगों में बात कर रहा है, ये पर्सन सडन आपको कुछ सरप्राइज़ देने के लिए भी लोगों से बातचीत कर रहा है, कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, या तो आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है या इस पर्सन की, और अगर दोनों तरफ नहीं है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ होने वाले, आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सेलिब्रेट करोगे, हो सकता है बर्थडे, हो सकता है रोका सेरेमनी, कुछ होगा शादी से, एक आप दोनों के एक दूसरे के साथ शादी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव आपको न्यूज़ मिल सकती है। ये पर्सन ये तो सब प्लान कर रहा है, क्योंकि सिंपली कार्ड ही क्लियर आए हैं ना यहाँ पर, जो है एटो सॉर्ट्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने यहाँ पर शादी की बात करके आपसे फिर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाया, इसका रिग्रेट ये काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। पर्टिकुलर कोई भी पर्सन हो उसके साथ इनका झगड़ा वगैरह चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ तक तो आप सोचो ही मत। आपके लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ये पर्सन अपने आसपास के लोगों में आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, बात भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रही है। चलो ये कार्ड हाथ में लिए हैं तो यही लेते हैं, फिर हम आपके लिए एंजल मैसेजेस देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे। इस पर्सन का यही डिसीजन है कि आपके साथ एक अच्छी नई शुरुआत करें। अब आप लोग खुद पे कैसे वर्क करते हो, और मैं इस बात को इतना रिपीट क्यों करती हूँ, कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़्यादा काम करती है कि यूनिवर्स भी काम कर रहा है इस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन का भी सब कुछ चेंज हो रहा है, नेगेटिव होकर सब कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो क्यों ना आप भी खुद के ऊपर काम करो, ठीक है। ओके, एक कार्ड आ रहे हैं। देखो आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, और आने वाले कुछ महीनों से मैं अगर कहूँ कि क्या चीज़ है, तो दिसंबर अब लास्ट पे है, बिल्कुल 2024 है, इस पर जितना अच्छा हो सके खुद पे वर्क कीजिएगा, और 2023 की जो नेगेटिविटी थी, जो प्रॉब्लम्स थी, यहीं पर रिलीज़ कर दीजिए, रिलीज़ करना शुरू कर दीजिए, अब 4-5 दिन ही तो बचे हैं, दिसंबर जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर आने वाले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में बहुत मेजर पॉजिटिव चेंजेस होंगे, खासतौर पे आपके रिलेशनशिप को और आपकी शादी को लेकर, ओके। टेक एक्शन, यूनिवर्स आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी, आपकी तरफ कुछ तो पॉजिटिविटी आने वाले कुछ समय में, आपकी तरफ एक अच्छा, मैंने कहा ना कुछ शादी से रिलेटेड लग रहा है मुझे, कुछ गोल्डन, कुछ येलोइश, कुछ पॉजिटिव, कुछ
है ना, कुछ शाइनी शाइनी सा, जैसे शादी में माहौल होता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, जो आपको समझ नहीं आ रहा था ना कि मेरे रिलेशनशिप में एक्चुअल में चल क्या रहा है, मुझे समझाओ यूनिवर्स, मुझे जवाब दो। वो सारी चीज़ें अब आपको धीरे धीरे पता चलने लगेंगी, आपको लगेगा हाँ। और जब मूड स्विंग होता है ना, तो सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है? उन लोगों से बातचीत कर लो जो पॉजिटिव करते हैं, लेकिन ना अपने मूड स्विंग से किसी को परेशान मत करो, ये आपको कंट्रोल करना होगा। मूड स्विंग क्यों हो रहे हैं, किस एनर्जी की वजह से हो रहे हैं, किस टॉपिक की वजह से हो रहे हैं, उसको बैठकर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है? यही करना है आपको। आप जितना नेगेटिव है अपने को पॉजिटिव कीजिए। रिकवरी, यहाँ पर आपके लाइफ में रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिव हो चुका है ना, वो सब यूनिवर्स है ना, उस सब चीज़ को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको है ना किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलो ठीक है। आपने लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। तो वो जो आपने एक समझौते किए हैं ना लाइफ में, अब यूनिवर्स ना आपको उस सब का पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मतलब कहते हैं ना, हमने बहुत दुख झेल लिया, अब हमारी तरफ पॉजिटिविटी आएगी, अब आपको लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स आपको सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव देगा। जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं, वो आपके लिए, आपके साथ शादी करने की वापस सोच रहे हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपको लेकर बात कर रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये थी हमारी रीडिंग। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो, समझ आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।